हाँ जी, यही यही कह रही बेटा। यस सर। ओके, ये रेडमी के फोन वाला कौन आया यार ये? कोई आया है जो वेटिंग रूम में रेडमी वाला है। जो बच्चा अपना नाम लिख के नहीं आएगा ना, मैं उसको बाहर कर दूंगा। बिना नाम के अननोन पीपल को लेना वो नहीं है। तो जिसने अभी अभी जो बच्चा आया है रेडमी के नाम से, अपना नाम लिख ले भाई। अभी आया ना एक बच्चा रेडमी, रेडमी नाम से, फोन के नाम से, अपना नाम लिख के ना आया। नाम क्या है, नाम लिख के ले। ठीक है, ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो यही इसी टाइप का डाउट कह रही थी क्या? यस सर। ओके, तो सर सपोज इसमें भी वही करना पड़ेगा सर, या तो इसको 10 to the power -6 करो या इसको करो। इस वाले को करते हैं बच्चों, 2 into 10 to the power -6 माइनस ऑफ 30 into 10 to the power -6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल सर। 2 - 30 into 10 to the power -6 सर, ये हो जाएगा 28 into 10 to the power -6। अब मुझे बताओ भाई, सर, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो कैसे करेंगे? अब देखो दूसरा, पॉजिटिव और नेगेटिव में बड़ा लफड़ा वाला काम है। 2 into 10 to the power -2 माइनस बीच में है ये। ओके, थ्री इंटू टेन टू दी पावर प्लस टू ऐसी कह रही है बेटा। यस सर। देखो सर, देखो बच्चों, एक को माइनस करना है, एक को प्लस करना है। सॉरी, माइनस हो गया, ये माइनस ही प्लस है सर। या तो आगे वाले को 10 to the power +2 कर लो, या इसको कर लो। आओ इसको करते हैं। तो देखो, 3 into 10 to the power +2 अगर हम लिखेंगे, तो देखो -2 करना है ना, तो अगर मैं इसको 300 करूंगा, तो 300 into 10 to the power +2 और -2 आएगा। यहाँ -2 करना पड़ेगा, दो प्लेस शिफ्ट कराया, तो कितना हो जाएगा वो 300 into 10 to the power 0। आएगा नहीं आएगा सर? इसको ऐसा कर दो, 30,000 कर लो into 10 to the power 0 -2। ऐसे ही होगा, तो 30,000 into 10 to the power -2 करना पड़ेगा इसको। आएगा नहीं आएगा? समझी समझी बच्चा? यस थर्टी थाउजेंड बस। अब तो आप कर ही सकती हो शायद, कर लोगी? यस सर। वेरी वेरी गुड बच्चों। चलिए आज हम लोग नए टॉपिक को पढ़ने जाते हैं। ओके, तो हाँ भाई, सेफ रहिए, ठीक है ना, सुरक्षित रहिए। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंस या सिग्निफिकेंट भी इसको बोल सकते हैं। होता क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर किसको बोला जाता है बच्चों?
सपोज मैंने आप लोगों को बोला कि ये कोई मैंने एक टाइट्रेशन करवाया है, इसका मान के चलो 5 स्टूडेंट को टाइट्रेशन समझते हैं क्या? नो सर। नो सर। टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये कोई बीकर है, थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ, इसमें आपने कुछ कोई एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, अब यहाँ से आपने क्या किया कि कुछ इंडिकेटर ऐड किया, तो इंडिकेटर ऐड किया तो एक ब्यूरेट से हम लोग क्या करते हैं, ब्यूरेट से क्या करते हैं इंडिकेटर ऐड करते हैं, तो इस ब्यूरेट में नपा हुआ रहता है, इसमें जो है यहाँ पे 10 लिखा रहेगा, यहाँ पे 20 लिखा रहता है, यहाँ पे 30 लिखा रहता है, यहाँ पे 40 लिखा रहता है। अब उसके बाद क्या होता है, आपने इसमें पूरा यहाँ तक पानी भरा हुआ है, फुल उस इंडिकेटर को भरा हुआ है, इंडिकेटर का मतलब जो कलर देता है, ठीक है ना। अब इस सॉल्यूशन में ब्लू कलर आना है, अब एक सॉल्यूशन का आया, एक स्टूडेंट का आया 20 पे, जैसे ही पानी का लेवल 20 पे गया, एक का बिल्कुल ब्लू कलर आ गया, दूसरे का आया 30 पे, ठीक है ना, तीसरे का आया 30 पॉइंट समथिंग पे, तो उसको बोलते हैं टाइट्रेशन, ठीक है ना, समझ रहे ना, समझ रहे हैं या नहीं समझे? नहीं आया सर समझ। अरे ये एक प्रैक्टिकल है, ये केमिकल्स के लिए लैब में, केमिकल्स का प्रैक्टिकल होता है ना, एक केमिकल्स का प्रैक्टिकल होता है लेबोरेटरी में। अभी आपको बस खाली टाइट्रेशन की सिलेबस में नहीं है, मैंने खाली नाम बोला है टाइट्रेशन का। सर मतलब कोई स्केल जिस पर कलर चेंज होता है वो? नहीं, वैसा नहीं, वो पीएच स्केल नहीं होता है, एक्चुअली एक ब्यूरेट टाइप का होता है ना, मान के चलो ये सॉल्यूशन है, अब इस सॉल्यूशन को मैंने, अब इसमें क्या किया आपने, कोई इंडिकेटर लगा दिया, इसमें इंडिकेटर लगा दिया है, इंडिकेटर भरा हुआ आपने इसमें फुल, वो इंडिकेटर का मतलब जो कलर देता है, मान के चलो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे मान के चलो 30 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे आपका 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अब देखो यहाँ से पानी का लेवल धीरे धीरे कम होगा, इस सॉल्यूशन का लेवल धीरे धीरे पहले 20 पे आएगा, 30 से 20 पे आएगा, फिर उसके बाद यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ऐसे ऐसे कम होता रहेगा ना। अब जितना ज्यादा सॉल्यूशन इसमें जाएगा उतना ज्यादा इसमें ब्लू कलर आएगा, क्यों आएगा? नहीं आएगा। अब आप यहां से क्या करेंगे, यहां से एक ट्यूटी टाइप की होती है जिससे हम ऑन ऑफ करते हैं, खोलने वाला घुमाने वाला होता है, जिससे यहां से पानी यहां से गिरता है, नीचे आता है। अब आपने स्टार्ट किया, एक स्टूडेंट का जैसे 20 तक सॉल्यूशन का लेवल आया तो पूरा ब्लू कलर आ गया, दूसरे स्टूडेंट ने देखा कि इस पॉइंट तक सॉल्यूशन का लेवल आया, यहाँ पे आते ही जो है जैसे यहाँ से खत्म हुआ यहाँ तक आया तो उसका ब्लू कलर आ गया, तीसरे का बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आ गया, तीसरे वाले का इस पॉइंट पे आया, चौथे वाले का इस पे आया, तो अलग अलग लेवल पे क्या आ रहा है, आपका ब्लू कलर आ रहा है सॉल्यूशन पे, आ रहा है या नहीं आ रहा है बोलो, आ रहा है क्या? यस यस। तो ये जो प्रोसीजर होती है इसको बोलते हैं टाइट्रेशन। सुनो बच्चों, अब मैंने कहा कि सपोज आपको, ये कुछ काम का नहीं है, बस आपको समझा रहा था मैं, सपोज बच्चों मैंने आपको कहा कि ये एक सॉल्यूशन है, इसमें मैंने आपको, आप 5 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है, ए बी सी और डी, हमारे पास 4 स्टूडेंट है। अब इसमें ब्लू कलर कब आता है मैं आपको बताता हूं, इसमें ब्लू कलर कब आता है, जब एग्जैक्ट 20 आ जाता है सॉल्यूशन का लेवल, 20 ml आ जाता है, तो 20 ml पे जैसे आएगा तो परफेक्ट ब्लू कलर आ जाएगा सॉल्यूशन। समझ में आई क्या बात? परफेक्ट क्या आ जाता है? ब्लू कलर आ जाता है, ये इसका, हाँ ये फिक्स वैल्यू है, इतना आना चाहिए। अब जब आप प्रैक्टिकल लैब में करोगे तो ए वाले स्टूडेंट का कितने पे आया, 19.9 पे आया, बी वाले स्टूडेंट का कितना आया, 20 पॉइंट समथिंग पे आया, सी वाले का कितना आया बच्चों, 20.12 पे आया। अच्छा मैं इसको 20 ना बोल के मैं ऐसा लिख देता हूं, इसको देखिए, मैं कह देता हूं 20.9 पे, एग्जैक्ट 20.9 पे एग्जैक्ट सॉल्यूशन का कलर आया। तीसरे वाले का आया 20.20.56 पे आया, और ई वाले स्टूडेंट का आया 20.78 ब्लू कलर, इन सब का आ गया ब्लू कलर, है ना, ये ब्लू कलर आ गया। तो इसमें आप देख रहे हैं ये वैल्यू, ये पॉइंट के बाद वैल्यू अलग अलग आ रही या नहीं आ रही, आ रही या नहीं आ रही, आ रही है, है ना। अब देखो कोई एक भी सॉल्यूशन लिया, कोई एक भी सॉल्यूशन लिया बच्चों, मैंने कहा
अब सॉल्यूशन की जो एग्जैक्ट ब्लू कलर की जो वैल्यू है, मैंने आपको बोला बच्चों वो जो वैल्यू है वो है 20.1359। अब ब्लू कलर ए वाले सॉल्यूशन का मैंने यहाँ पे कहा, ए वाले स्टूडेंट का 20.1 पे आया, बी वाले का आया 20.13 पे आया, सी वाले का आया 20.1035 पे आया, डी वाले का मैंने कहा 20.1359 पे ये वैल्यू आई। तो आप देख रहे हैं इसका भी ब्लू कलर इसमें आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया। तो आप देख रहे हैं ब्लू कलर इसके लिए इतने चार नंबर आए एक्स्ट्रा, इसके लिए तीन नंबर आए, इसके लिए दो नंबर आए, इसके लिए एक नंबर आया। जो ये पॉइंट के बाद ये नंबर है ना, जो ये पॉइंट के बाद मान के चलिए 20.1359, जो पॉइंट के बाद ये नंबर है ना, ये किसी का 13 तक आ रहा है, किसी का 1 तक आ रहा है, किसी का 135 तक आ रहा है, इनकी कोई सर्टेनिटी फिक्स है क्या? इन नंबर की सर्टेनिटी फिक्स है क्या? तो बच्चों इस नंबर को बोलते हैं अनसर्टेन नंबर। इसको क्या बोलते हैं? अनसर्टेन डिजिट। और ये जो 20 है ये तो बिल्कुल सर्टेन नंबर है, फिक्स नंबर है ना, सब में 20 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है? यस सर। तो इसको बोलते हैं बच्चों सर्टेन डिजिट, ठीक है ना। तो जो अगर किसी वैल्यू में, किसी वैल्यू के लिए अगर आप सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट को ऐड कर देते हैं तो उसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आप सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट को ऐड कर देते हैं तो बच्चों उसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट नंबर। आया समझ में? आया समझ में? किसी को कुछ समझना तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर एक और बार रिपीट करो तो। देख ये जो वैल्यू है ये तेरे अनसर्टेन डिजिट आए, ये तेरे सर्टेन आए। अगर आप किसी भी वैल्यू में सर्टेन और अनसर्टेन को आपस में ऐड कर देते हो ना तो वो जो पूरा एडिशन आता है उसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर, उस पूरे को बोलते हैं सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर। अब बोल बेटा, अब बोल बेटा, एक और एग्जांपल दो सर। ओके रुक जाएं। अच्छा रुक जा बेटा, है मैं क्या करता हूं, पहले ये थोड़ा समझ लिया ना, मैं पहले थोड़ा सा डेफिनेशन लिखता हूँ फिर और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। एक मिनट बेटा, रुक जा बेटा, है सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब हो गया, तो मैं यहां पे लिखता हूं सिग्निफिकेंट फिगर SFR टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ठीक है ना, इन ए
इंक्लूडिंग सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट्स. स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही क्या? सब क्लियर है, दिख रही है सर. सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट. देखो सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट्स. मैंने कहा बच्चों कि आपके पास 20.1359 है, तो ये आपके कोई भी फिक्स नंबर नहीं है, तो इनको आप ऐसे बोल सकते हैं सर ये अनसर्टेन डिजिट है. और ये जो 20 था वो बिल्कुल फिक्स नंबर था, इसको आपने क्या बोला? सर्टेन डिजिट बोला. तो जब आप इस सर्टेन प्लस, जब बच्चों आप इस सर्टेन प्लस अनसर्टेन को ऐड कर लोगे, जब आप सर्टेन प्लस अनसर्टेन दोनों को ऐड कर लोगे, तो उसको बोला जाता है बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है ना? कोई दिक्कत अगर किसी को है तो पूछो. किसी को कोई दिक्कत तो है? यहाँ पर आपने ये 20 को आपने सर्टेन कैसे ले लिया? 20 देखा नहीं था कि 20 फिक्स आ रहा था? पहले वाले बच्चे का कितना है? 20.1. पहले वाला एग्जांपल कंटिन्यू किया. हाँ 20 मैंने, हाँ. और उसके बाद दूसरे वाले ने क्या किया? 20.13 पे किया, फिर उसने 20.135 पे किया, फिर ऐसे कर दे. तो ये तो अनसर्टेन है, इनका कोई फिक्स थोड़े ना. ये तो फिक्स था ना? बोल. हाँ सर फिक्स था. है ना? ये फिक्स था, तो इसको इसलिए मैंने ऐसा बोला. ठीक है ना? चलो नोट कर दिया इसको. चलो आगे बढ़े. तो सर सिग्निफिकेंट फिगर क्वेश्चन ये है. क्वेश्चन ये नहीं है कि सर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं. कहने का मतलब सर सिग्निफिकेंट फिगर को पहचानेंगे कैसे, क्वेश्चन ये है. समझ में आई बात क्या? तो क्वेश्चन ये है बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर को पहचानेंगे कैसे. तो उसके लिए कुछ रूल होते हैं, ठीक है ना, जो डिटरमाइन करते हैं. मैं उसके बारे में बताता हूं. Rules for rules for determining the significant figure. तो हमारे पास कुछ रूल है, उसी रूल के बेस पे मैं सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करूंगा. तो सर ठीक है आपने ऐसा कहा, तो कौन कौन से रूल हैं वो बता के तो दिखाइए. तो बच्चों सबसे पहली बात है All non-zero digit का मतलब जो जीरो नहीं है. Are always significant. SF का मतलब significant figure. Always significant figure. तो देखो non digit का मतलब जैसे मैंने कहा 8, 3, 6. तो ये तीनों के तीनों नॉन जीरो हैं, तो ये तीनों के तीनों, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे. सर जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6, 3, 5, तो इसमें कितना है सर? 1, 2, 3, 4, 5. तो इसमें सर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है सर? 5 है. अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो भाई. 2, 6, 8, 5, 1, 2, 8. तो सर इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो ये सारे के सारे जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं बच्चों, तो ये ऑलवेज ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं. ठीक है ना? ओके. अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा रूल क्या है? जीरो बिफोर नॉन जीरो टर्म एंड राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट.
डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड नॉट सिग्निफिकेंट, जीरो बिफोर नॉन जीरो टर्म, तो मतलब कहने का मतलब है 0.03, तो नॉन जीरो टर्म से पहले का जीरो ये है ना, नॉन जीरो टर्म से पहले का जीरो ये, और इसके डेसिमल पॉइंट के बाद का जीरो ये, तो ये कभी भी जो है सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो मतलब ये दोनों के दोनों जो है नॉन जीरो टर्म से पहले वाले ये दो जीरो और डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जीरो, तो ये भी जो है कंडीशन ये होनी चाहिए, इससे पहले होने चाहिए नॉन जीरो से पहले, तो ये कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो सर इसमें ओनली एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इधर देखिए 0.00635, इसमें कितने हैं? थ्री। वेरी गुड सर, इसमें थ्री। सर आपने जो पिछला वाला एग्जांपल समझाया ना, उसमें आपने बताया कि 20.123, तो उसमें फाइव सिग्निफिकेंट नंबर हमें वैसा बताना है या 20 और 123 को ऐड करना है? ऐड नहीं, वो कितने फाइव है, वो फाइव है ऐसे बताना है, समझ रहे ना, फाइव है थ्री है फोर है, वो ऐसे बताना है, ठीक है ना? अच्छा, जो नंबर है सिर्फ उनको काउंट करके बताना है। हाँ जी, ओके सर। ओके सर, सेकंड पॉइंट दोबारा समझाओ ना। कौन सा? ये वाला देखो, जीरो बिफोर नॉन जीरो टर्म, नॉन जीरो टर्म से पहले वाला जीरो, ये नॉन जीरो है, इससे पहले वाला ये दो जीरो है, एंड राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड ये वाला जीरो, तो ये दोनों के दोनों कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। क्लियर हुई बात? तो सर मतलब 03 सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसका यही मतलब है? 3 है ना इसमें सिग्निफिकेंट, ये दो जीरो नहीं है। नहीं समझी? 1 लिखा है ना बेटा मैंने, उसके आगे मतलब 3 ही सिग्निफिकेंट है। ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करोगी, मतलब सिर्फ 3 काउंट होगा। हाँ जी, ओके। और कोई बात? नो सर, थैंक यू। नेक्स्ट है, जीरो आफ्टर नॉन जीरो टर्म, नॉन जीरो टर्म राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जीरो आफ्टर नॉन जीरो टर्म, मतलब नॉन जीरो टर्म के बाद का जो जीरो, कहने का मतलब है 6.400, नॉन जीरो टर्म के बाद का डबल जीरो, एंड राइट साइड ऑफ डेसिमल, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड भी है ये भी, तो ये भी ऑलवेज क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। नॉन जीरो टर्म के बाद का जीरो और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाला जीरो, ठीक है ना, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाला, लेकिन डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाला, और आप ध्यान रखिएगा उससे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उस जीरो से पहले क्या होना चाहिए, नॉन जीरो टर्म होना चाहिए, उस जीरो से पहले नॉन जीरो टर्म होना चाहिए, तो ये ऑलवेज सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें सर 3 है। किसी को डाउट है तो पूछ लो सर। हाँ सर, अगर 6.00, अगर 6.040 हुआ तो ऐसे वाला एग्जांपल है ये ना सर, ऐसे में अगर 6.040 हुआ तो समझा रहा हूँ सर, वो तो नहीं होगा ना सिग्निफिकेंट, अगर डेसिमल के बाद जीरो आया तो। लिखने तो दो मुझे, 6.040 अब ये वाला भी होगा ना यहाँ पे, क्यों बोल ये वाला क्यों होगा, क्योंकि ये सर ये जीरो इस नॉन जीरो टर्म के बाद है ना, ये नॉन जीरो टर्म के बाद है, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे।
और बोल सर, ये सर सर ये आप 04 क्यों लिखते हो, सिर्फ 4 नहीं लिख सकते सर? 4 भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, बात एक ही है सर, ये पॉइंट फिर से समझाओ ना। देखो, जीरो आफ्टर नॉन जीरो टर्म, नॉन जीरो टर्म के बाद का जीरो, ये वाला जीरो है ना, और या राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, और राइट साइड डेसिमल पॉइंट के राइट साइड भी है यही, तो ये ऑलवेज सिग्निफिकेंट होगा, तो इसलिए लिखा हुआ तो है ये। ओके सर, नॉन जीरो मतलब 6 के बाद का जीरो। हाँ, नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं है, नहीं समझी? सर समझ आ गया सर। ये जो आपने अभी वाला जो एग्जांपल दिया उसमें तो जीरो पहले है ना, नॉन जीरो टर्म से पहले। कौन सा वाला कह रही, इसमें? 6.040 सर, उसमें तो एक जीरो पहले है ना, नॉन जीरो डिजिट से पहले, ये वाला जीरो। हाँ तो क्या हुआ फिर, ये भी तो नॉन जीरो के बाद है। ओनली ये वाला जीरो नहीं होगा, डेसिमल पॉइंट, अगर इधर सारे के सारे जीरो हैं, इधर कोई भी नॉन जीरो नहीं है, तो यहाँ पे नॉन जीरो का होना जरूरी था, तभी ये दोनों जीरो के जीरो काय में काउंट होते, तभी ये उसमें काउंट होते सिग्निफिकेंट में, तो इधर तो सारे जीरो हैं इसलिए ये काउंट नहीं हुआ, ये तो होगा ही। ओनली इधर ये वाला टर्म जीरो में काउंट नहीं होगा, सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। सर क्यों काउंट नहीं होगा बच्चों? इसलिए काउंट नहीं होगा क्योंकि अगर सर यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट, कोई नॉन जीरो टर्म रहता ना, तो ये दोनों के दोनों काउंट हो जाते, लेकिन यहाँ पे सर ऐसी कंडीशन तो है ही नहीं, तो यहाँ पे अगर सारे के सारे जीरो होंगे तो काउंट ही नहीं होंगे। जरूरी है कि सब आगे से एक डेसिमल नॉन जीरो टर्म का होना जरूरी है। और तो सर उस एग्जांपल में 6.040 वाले एग्जांपल में स्टार्टिंग नॉन जीरो टर्म से हुए, इसलिए चारों के चारों सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे। किस वाले में, इसमें? नहीं सर, वो तो थर्ड एग्जांपल है ना, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या। 6.040 हाँ, ये चारों होंगे नीचे सर। हाँ ये भी चारों होंगे। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग नॉन जीरो टर्म से हुई है इसलिए। यस 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 बिल्कुल सही। एक और रूल लिख रहा हूँ, एक और रूल लिख रहा हूँ। जीरो बिटवीन नॉन जीरो टर्म, नॉन जीरो टर्म, जीरो बिटवीन नॉन जीरो टर्म आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो टर्म के बीच का जो जीरो है वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट हो, जैसे 2002 2002 तो ऑलवेज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 2.002 ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना, 40123 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 5। किसी को कोई बात कहनी है? No. किसी को अगर कोई बात कहनी है तो आप मुझसे बोलें। और इसमें एक रूल और है सर। सर इसमें सेकंड एग्जांपल में 4 नहीं आएगा? हाँ सर, 2 लिखा है आपने। हाँ सर, आगे 2 से स्टार्ट हुआ है। और बोलो और बोली। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट है, सपोज एक और बात है,
जीरो एंड द नॉन जीरो टर्म, नॉन जीरो टर्म विदाउट डेसिमल, पॉइंट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। देखो जैसे 200 लिखा ना, 200, जैसे 200 लिखा ना, तो 200 में आप देख रहे हैं बच्चों 3 सिग्निफिकेंट है, 40,000। सर इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। सर इसके पहले वाला पेज करो ना सर। पहले वाला पेज वो कहां से आएगा, वो तो मैंने हटा दिया है। ओके सर चलिए। वो तो हटा दिया, वो कहां से आएगा? ये तो जब तू वीडियो देखेगा ना तब तू इसको रिवर्स कर सकता है, यहां से थोड़े ना होगा रिवर्स। अब मैं कोई परमात्मा थोड़े ना हूं। इसका हो गया। तो देखो बच्चों 20.00 इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट है जरा बताओ। सही बोला। अरे बोला था ना ये डेसिमल नॉन जीरो टर्म के बाद वाला जीरो भी तो सिग्निफिकेंट होगा। और इसमें बताओ इसमें ये वाला जीरो नहीं होगा है, ये वाला नहीं होगा। इसमें देखो। अच्छा मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ, आप सॉल्व करोगे? यस सर। करोगे? यस सर। ओके सॉल्व। एक दो बच्चे ऐसे हैं जो सॉल्व नहीं करते हैं, बाकी सब करते हैं। इसमें खाली बता नहीं है सिग्निफिकेंस। चार ही करो यार काफी। सर डन। सब लोग करो गर्व कुशलानी। तो सुनने में आ रहा उधर पूरा तूफान है। यस सर बहुत तेज हवा चल रही है। यस सर क्या कर सकते हैं बच्चों, ये तो रूल ऑफ नेचर है। पलक याग्नी कुछ पूछ रही है क्या? पलक याग्नी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, आ गया समझ में? क्वेश्चन जब पूछते हैं ना आप चैट करते हैं ना, तो चैट में उसी समय नहीं देखता हूं ना, चैट बॉक्स को तो मैं कभी कभार ओपन करता हूं, तो उसमें थोड़ा सा फिर मुझे ध्यान थोड़ा रहेगा, मैं चैट बॉक्स खुला थोड़े ना मेरे साथ, तो तब थोड़ा सा दिक्कत आ जाती। अच्छा हो गया क्या?
बोलो रे बच्चों, अभी भी देखो 34 गाइस हैं, 34 में से बहुत कम लोगों ने आंसर दिया हुआ है। आज हम सीधे पढ़ेंगे एटॉमिक मास। आज हम सीधे पढ़ेंगे बच्चों एटॉमिक मास को। किसी को अभी भी दिक्कत आ रही क्या? कम बच्चे कर रहे हैं तो इसका मतलब दिक्कत तो आ रही है। हो गया? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, इसमें मैं ही लिख देता हूं, ऋतु अपना वीडियो ऑफ करें। हो गया बेटा? सर मेरे फर्स्ट वाला में 5 नहीं आ रहा, वो एक्सप्लेन करो ना। 5 मतलब 0 बिटवीन नॉन जीरो टर्म, नॉन जीरो टर्म ये है ना, नहीं देख रही है? 1 2 3 4 5 नॉन जीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। और लेकिन बाद वाला जो नॉन जीरो टर्म के बाद वाला जीरो होगा वो भी तो सिग्निफिकेंट होगा। रूल बताया है ना मैंने, रूल में नहीं पढ़ा क्या सर? थर्ड में क्या रूल होगा? थर्ड में डेसिमल पॉइंट से पहले वाले जीरो तो होंगे नहीं। डेसिमल पॉइंट से पहले वाले जीरो थोड़े ना होंगे नॉन जीरो, ये तो जीरो, ये तो होंगे नहीं सिग्निफिकेंट फिगर। बताओ और बोलो बच्चों, किसी को और कोई बात कहनी है तो बोलिए बोलिए बस आवाज। ओके चलें आगे बढ़ें क्या? यस ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? चलो सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें अब मैं एक मिनट है सिलेबस में मैं देख रहा हूं। अच्छा यूनिटरी मेथड है वो आपको फिजिक्स में सिखाया जाएगा, पढ़ा दिया यूनिटरी मेथड, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया क्या? नो सर। एक मिनट रुक जाओ, बता मैं थोड़ा सा इसमें कुछ और चीजें देख लेता हूँ, क्योंकि ना कुछ चीजें फिजिक्स में भी बार बार पढ़ानी है और कुछ केमिस्ट्री में भी पढ़ानी है, तो वो फिर कोई मतलब नहीं बनता है इधर भी उधर भी ना, एक ही साइड कर देता हूं मैं उसको, या इधर या उधर। ओके कोई बात नहीं, यूनिट एंड डायमेंशन एक्चुअली चैप्टर वहीं पे है मेन, तो वहीं पे आपको पढ़ाया जाएगा। हम सीधे एटॉमिक मास पे आते हैं, क्लियर हुई बात क्या? क्लियर हुई बात? यस सर। ओके चलो सीधे पढ़ते हैं एटॉमिक मास। बच्चों सबसे पहले हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मास क्या है? ओके
सर एक बात बताता हूं, आप लोग जो है एटॉमिक मास एक्चुअली क्या है ना बच्चों, एक सोची एक किसी चीज का मास बनाया गया है। जैसे आप, मैं आपको एक फॉर एग्जांपल देता हूँ, केजी, मैं बोलता हूँ 1 केजी शुगर, 1 केजी शुगर, केजी क्या है आप बताओ, केजी क्या है, केजी क्या है, यूनिट है, यूनिट है। अब आपको किसने बताया, किसी ने मास का यूनिट इसका नाम रखा और आपको बोल दिया, बोल दिया ना, किसी ने इसका नाम यूनिट रखा मास का केजी और आपको बोल दिया, आप भी वही बोलने लगे, ऐसे ही हुआ ना, हुआ नहीं हुआ? तो मतलब yes, एक तरीके से अमाउंट को मेजर करने का तरीका है। तो बच्चों 16th सेंचुरी की बात करते हैं, बहुत पहले की बात करते हैं, जब हमें केजी के बारे में डिस्कवरी नहीं थी। केजी तो अभी अभी 19th सेंचुरी में क्या हुआ, डिस्कवर किया गया। फ्रांस की कमेटी बैठी थी तो उन्होंने डिसाइड किया गया कि भाई मास को मेजर करने के लिए एक यूनिट होगी, उसको केजी से हम लोग मेजर करेंगे। अब उस समय की बात याद करिएगा जब आपको केजी के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं था, केजी क्या होता है कुछ आपको पता नहीं था, केजी को कैसे निकालते हैं कुछ भी आप लोग नहीं जानते थे। तो उस टाइम पे क्या होते थे, सिलेंडर होता था, सिलेंडर होता था। अब मैंने क्या किया, सपोज कोई इस तरीके से क्या किया, एक बैलेंस ऐसे लगाया और इस तरीके से मैंने एक बॉक्स को इसमें मेजर करते गया, एक बॉक्स को मेजर करते गया। और इस बॉक्स में आपने क्या किया, एक सिलेंडर रखा, फिर उसके ऊपर दूसरा सिलेंडर रखा, फिर उसके ऊपर तीसरा सिलेंडर रखा और फिर चौथा सिलेंडर, ऐसे ऐसे करके जब आपने यहाँ पे 4 सिलेंडर रखे, 4 सिलेंडर के बाद बॉक्स का वेट मेजर हुआ। तो आप ऐसा बोलेंगे ना, मास ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल टू, मास ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल टू 4 सिलेंडर, ऐसा बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अगर आपको केजी का पता नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, 4 सिलेंडर बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलो, बोलेंगे। अरे अगर आपको केजी का पता नहीं, केजी तो किसी ने नाम बोल दिया, आप भी बोलने लग गए। मान के चलो आपको 16th सेंचुरी की बात करते हैं, जब केजी की डिस्कवरी नहीं की गई थी तो आप क्या बोल रहे थे, 4 सिलेंडर बोल रहे थे, बोल रहे थे नहीं बोल रहे थे? यस बोल रहे थे। और मान के चलिए मैंने कहा, एक अगर एक ऐसे ऐसे करके मैंने क्या किया कि किसी एक जो है किसी डब्बे का वेट लिया, किसी एक डब्बे का वेट मैंने कह दिया आपको बच्चों 10 सिलेंडर है, क्योंकि अब आपको तो पता ही नहीं ना केजी क्या, आप सिलेंडर ही मान के चल रहे हैं। आपको मैं पूछा, आपको अगर बोलते शुगर लेना है तो आप क्या बोलते, सर 2 सिलेंडर शुगर दे दीजिएगा, 2 केजी की दुकान पे 2 सिलेंडर बोल देते। आपको केजी नहीं पता तो आप क्या बोलते बताओ, सिलेंडर ही बोलते ना। तो बच्चों एक्चुअली जो ये सिलेंडर टर्म है ना, अब जैसे मैंने ऑक्सीजन का मास बोला, मास ऑफ ऑक्सीजन बोला, तो मास ऑफ ऑक्सीजन तो आप क्या बोलते, 16 ग्राम बोलते हैं ना, तो 16 सिलेंडर बोल दो, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, बोलो, 16 ग्राम बोलते हैं तो 16 क्या बोलेंगे, सिलेंडर बोलेंगे नहीं बोलेंगे? मास ऑफ नाइट्रोजन आप क्या बोलते हैं, 14 ग्राम बोलते हैं, तो 14 सिलेंडर बोलोगे नहीं बोलोगे, ऐसे ही तो बोलेंगे सर। अब ये सिलेंडर टर्म को, अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब फ्रांस की कमेटी बैठी, उस कमेटी ने क्या किया कि भाई ये सिलेंडर तो जरा अजीब सा नाम हो गया है, इसकी जगह पे उन्होंने एक कार्बन-12 एटम लिया। कार्बन-12 एक एटम है जो स्टैंडर्ड एटम है, एक कार्बन-12 एटम को स्टैंडर्ड मान के चला और इसके 1/12 ऑफ 12 ग्राम कार्बन को ले लिया, कार्बन-12 की 1/12 पार्ट को ले लिया, समझ रहे ना, कार्बन-12 के 12 ग्राम के 1/12 पार्ट को ले लिया। सिलेंडर की जगह पे क्या लिखा उन्होंने, 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम, ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना? या मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ इसको, इसकी जगह पे या तो ऐसे लिख देते हैं, देखिए
कार्बन 12 मास है, 12 कार्बन है, मास है, 1/12 इनटू मास ऑफ वन कार्बन एटम, 1/12 इनटू मास ऑफ वन कार्बन एटम। अनीस का क्या हुआ रे, शोर खाया क्या? कौन है भाई ये लड़का, नया आया है क्या? मास 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम, वन कार्बन एटम, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना, ऐसा बोल सकते। अब इस सिलेंडर की जगह पे मैंने क्या बोल दिया, मास ऑफ कार्बन एटम बोल दिया। तो आप देखो बच्चों, तो मैं ऐसे लिखूंगा मास ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे चार सिलेंडर था ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम। अरे मुझे एक बात बताओ, मैंने सिलेंडर की जगह पे ये टर्म लिखा नहीं लिखा, बताओ यार। लिखा सर, लिखा ना। अब मैंने सिलेंडर की जगह पे हमने क्या किया, एक मास ऑफ 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम को ऐड कर दिया। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, देखो कितना हो जाएगा, 16 × 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम, या वैसे लिखता हूं मैं मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 × 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम। अरे ऐसे लिखोगे या नहीं लिखोगे बोलो। यस सर, समझ में आ रहा सभी को? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लीजिएगा। अब बच्चों एक बात जरा ध्यान से देखो, सर ये जो मास ऑफ कार्बन 12 एटम है, ये बार बार लिखने में हमको बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो इस जो मास ऑफ कार्बन 12 एटम है, इसको मैंने एक शॉर्टकट में एक नाम दे दिया, जिसको मैंने बोला एटॉमिक मास यूनिट। और इस एटॉमिक मास यूनिट को आप शॉर्टकट में बोलते हैं AMU। समझ में आया या नहीं आया बात आपको? तो मास ऑफ वन बॉक्स कितना हो जाएगा, मास ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा, 4 AMU। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, 16 AMU। अरे समझ में आ रहा ना कहां से ले रहे हैं हम लोग? यस सर। मास ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना हो जाएगा, 14 AMU। अब समझ रहे ना AMU कहां से आया था, पता लग गया क्या? यस सर, सबको पता लग गया है। चलो बच्चों, अच्छा ठीक है ना, ओके। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो अब हुआ क्या सर, जो ये AMU है, ये एटॉमिक मास यूनिट का पूरा नाम है, पूरे नोमिन नाम के साथ हमने इसको ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, सर ध्यान से सुनिए, जो 1 AMU का मतलब हो गया, 1 AMU का मतलब हो गया बच्चों कि आप अगर इसको 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन, और मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमने, मास स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस होता है जो किसी भी सब्सटेंस का मास निकाल देता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर से मास ऑफ, हमने मास ऑफ कार्बन 12 एटम को निकाला, तो जिसकी वैल्यू आ रही थी 1.99 × 10⁻²⁴ ग्राम। मास स्पेक्ट्रोमीटर से बच्चों हमने कार्बन 12 की वैल्यू को निकाला, और जिसकी वैल्यू आ रही थी, मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमें ये वैल्यू पता लगती है, एक कार्बन एटम के 12 कार्बन, जो कार्बन एटम था उसका जो मास आया 1.99 × 10⁻²⁴। तो 1 AMU की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, देखो 1.99 × 10⁻²⁴
डिवाइडेड बाई 12। तो जब आप इसको यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है एग्जैक्टली, जरा पता करके मुझे बताओ। करो इसको कैलकुलेट। सर आपने मास स्पेक्ट्रोमीटर के बाद में जो एक्सप्लेन किया वो फिर से रिपीट करो ना। बता रहा हूँ बेटा, है एक मिनट। ठीक ना, माइनस 23 ग्राम आएगी, सॉरी 23 ग्राम आएगी। माइनस 23 ग्राम, ये भी आपका 20। जरा इसको डिवाइड करो। मैंने मास स्पेक्ट्रोमीटर इसलिए बोला, मास स्पेक्ट्रोमीटर बच्चों 0.1658333। एक मिनट है। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी सब्सटेंस के मास को कैलकुलेट कर देता है, वो एग्जैक्ट बता देता है कि इस सब्सटेंस का मास इतना ग्राम है या इतना केजी है, समझ रहे हैं, वो खुद आपको खुद ही बता देता है। तो इससे कार्बन एटम का जो मास था वो हमारे से इतना निकल गया था, वो कार्बन एटम का जो मास था वो हमसे इतना निकल गया था। और उसके बाद मैंने 1 AMU की वैल्यू निकाली, तो 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो क्या किया मैंने, क्या किया, इधर देखो, समझ रही है बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। तो मैंने क्या किया, देख, 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक है ना? तो कितना आया बोला बेटा ये वैल्यू? तो 1.65 × 10⁻²⁷, ये आया होगा ना? ये यस सर, 0.16 आ रहा है। हाँ सर सही, 0.16 कर ले यार, 1.6583 हाँ इतना कर ले, ठीक है ना? अब सुनो, तो जो 1 AMU की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो बिल्कुल करेक्ट आई है, 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। तो AMU को अगर आप कभी भी ग्राम में जब कन्वर्ट करते हैं ना बच्चों, तो AMU को जब भी आप ग्राम में कन्वर्ट करते हो तो उसको 1.66 × 10⁻²⁴, ठीक है ना, 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी उस पर्टिकुलर एटम की, एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी इससे मल्टीप्लाई करने पे। समझ में आई बात क्या? समझ में आया नहीं आया? किसी को अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो बोलो, मैं आज के लेक्चर को यहीं पे रख रहा हूं, अगर किसी को कोई बात अगर कहनी है तो बोलो, कोई भी अगर बात, क्यों इसमें और भी कल है, यहां तक अगर किसी को कोई बात अगर पूछनी है तो पूछ लो, इसमें कोई न्यूमेरिकल अभी नहीं है, बस मैं इसको आज समझाया है, कल भी इसको समझाना है आगे। बोलिए सर, ये मास ऑफ बॉक्स क्या आएगा? ये तो मैंने मास ऑफ बॉक्स खाली एक रैंडम वैल्यू ली है ना, एक डब्बे को कर लिया मैंने, समझ रहा है बेटा? ओके सर। और किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो। तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे रोक देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना बेटा? यस।